नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। अब घर खरीदना होगा आसान। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में की 0.25% की कटौती। रेपो रेट में भी 0.25% की हुई कमी। अब रेपो रेट हुआ 6.5%। पठानकोट हमले की जांच के लिए भारत आई पाकिस्तानी जीआईटी की रिपोर्ट लीक। रिपोर्ट में आतंकी हमले को बताया ड्रामा। भारत पर पाकिस्तान की छवि खराब करने का लगाया आरोप। एनआईए अफसर की हत्या के 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। शादी के अलावा सीसीटीवी फुटेज में सुराग तलाश रही है पुलिस। तंजिल के भाई का दावा, शादी में देखे गए थे 2 संदिग्ध। दिल्ली से आगरा के बीच दौड़ी देश की सबसे तेज ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस। निजामुद्दीन स्टेशन पर सुरेश प्रभु ने दिखाई हरी झंडी। 100 मिनट में करेगी सफर पूरा। यौन उत्पीड़न के आरोप में घिरे केरल के सीएम ओमान चांडी। सोलर घोटाले के आरोपी ने लगाए गंभीर आरोप। अब दूसरी बार नोएडा जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्टैंड अप इंडिया का करेंगे आगाज। 5,000 ई रिक्शा भी बांटेंगे। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ खबरें हैं लगातार।